बाय नाइशा, जाओ जाओ देर हो रही है अब। नाइशा ये कौन है? मामा। मामा मतलब चोटी। ये मामा क्यों है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ सुबह सुबह ट्रिमर के साथ। पहले अपनी दाढ़ी को ट्रिम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चल रहे हैं टाटा के बॉडी शॉप, क्योंकि हमारी टाटा नेक्सॉन, हमारी नेक्सी आज हमको वापस मिल रही है। और मैं, साक्षी, नायशा, हम तीनों जाने वाले हैं। और उसके बाद साक्षी मैडम जाने वाली हैं एक हफ्ते के लिए मायके। साक्षी और नायशा जा रहे हैं हस्तिनापुर, क्योंकि साक्षी के भैया आ रहे हैं उनको लेने के लिए। यानी आज के ब्लॉग में आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ब्लॉग में हमारे साथ एंड तक बने रहना। फ्रेंड्स, घर से चले थे तो 2 मिनट दिखा रहा था। हम लोग नीचे आके खड़े हो गए, और नीचे आए हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं, अब तक तो आए नहीं है। 2 बार फ़ोन कर चुके हैं, भैया पेमेंट कैश से करेंगे ना? बहुत इरिटेटिंग होती है कैब वाले, कहाँ जाओगे, कैश करोगे कि नहीं करोगे, ये करोगे कि नहीं करोगे, बहुत सवाल जवाब करते हैं। चलिए फ़ोन करता हूँ उनको, पूछता हूँ कहाँ तक पहुँचे भैया। फ्रेंड्स, कैब ड्राइवर ने सोसाइटी के मेन गेट पर ही ट्रिप एंड कर दी है, अराइव्ड कर दिया है, और बाहर आने में, हमारे तक पहुँचने में थोड़ा नखरे कर रहे हैं, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी और सोसाइटी में घुस गए हो, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। और मेन गेट तो मेरे सामने है, यहाँ दिखाई तो दे नहीं रहे। A few moments later. फ्रेंड्स, हम लोग रास्ते में हैं और होपफुली 10 से 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अब पहुँच कर ही आप लोगों से बात करते हैं और आपको अपनी नेक्सॉन दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा ठोका ठाकी करी थी साक्षी मैडम ने, हमने बोला था इंश्योरेंस में जो कवर हो वही करना, अब देखते हैं क्या क्या हुआ है। नहीं नहीं, मुझे दोगला पानी चाहिए, लेकिन 200 की दोगे तो ले लूँगा। चलो आप ले जाओ। पक्की बात? मेरा भी। कैश नहीं है, पेटीएम कर सकता हूँ? हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने दोगलापन खरीद ली। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था खरीदूंगा, पहले ये लोग 500 की दे रहे थे, और आज यही सेक्टर 40 वाले सिग्नल पर मुझको नेगोशिएट करने पर 200 की मिल गई। नायशा ये कौन है? मामा। मामा मतलब चोटी। ये मामा क्यों है? ओ भाई साहब, कितनी गंदी। कहाँ है इनका ऑफिस? फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए, और अब देखते हैं गाड़ी हमारी कहाँ खड़ी है। यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है। फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी जिसके पास थी, यानी हमारी गाड़ी की फाइल जिसके पास थी, वो भैया पता नहीं कहाँ है, और हमारी गाड़ी भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो हम वेट कर रहे हैं, और भैया का फ़ोन आया है कि वो लोग एयरपोर्ट तक पहुँच गए हैं, यानी महिपालपुर तक पहुँच गए, और आधे घंटे में गुड़गांव पहुँच जाएंगे, यानी अब उन्हें हमारा वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही थी, लेकिन फिर हमें एक मैडम मिली और सज्जन है, इन्होंने ही हमें लोकेशन बताई थी, और अब ये हमें हमारी गाड़ी तक भी लेके जा रही हैं, और अगर इनका सपोर्ट रहा तो शायद गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। दीपांकर जी हैं जिनके पास हमारी फाइल थी, लेकिन वो दीपांकर जी गायब हैं, और सब लोग उन्हीं के नाम से हमें टाल रहे थे, लेकिन फिर ये मैडम मिली, काफ़ी कोऑपरेट कर रही हैं और हमें हमारी गाड़ी तक लेके जा रही हैं। कितनी सारी गाड़ियां हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, इसमें हमारी कौन सी है? फ्रेंड्स, मिल गई हमारी गाड़ी, और जो ये डेंट था ये भी ठीक हो गया है। मेन था ये ठीक कर दिया इन्होंने, बाकी गाड़ी बहुत गंदी हो रही है। ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो इसी का पार्ट है ना, एक ही साथ लगी थी। नायशा, इन्होंने हमारी गाड़ी गंदी कर दी, बोलो क्लीन करके दो। फ्रेंड्स, फाइनली हमें हमारी गाड़ी मिल गई है, और अब हम निकल रहे हैं। तो यहाँ बहुत भीड़ है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, अब सीधा घर चल के आप लोगों से मिलते हैं। भैया और नमन वहाँ आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, हम लोग का आधे घंटे से वेट कर रहे हैं यार। गेस्ट आए हमारे घर पे और हम घर पे ही नहीं हैं। फ्रेंड्स, अब इस तरफ आए हैं तो कैब जेमिनी की बिल्डिंग के सामने से हम खस्ता कचौड़ी ले रहे हैं, क्योंकि दीपू भैया को खस्ता कचौड़ी बहुत पसंद है। हमने उन्हें फ़ोन पर पूछा, उन्होंने कहा ले आओ, तो चाय नाश्ते के साथ बढ़िया हो जाएगा। भैया पूछने लगे फूड ब्लॉगर हो क्या? हमने कहा हम तो हर चीज़ के ब्लॉगर हैं, जो दिख जाता है वो ब्लॉग हो जाता है। पिंकी, आप अपना फ़ोन हमारे घर पे भूल गई है, आपके घर पे आए तो बोलना लेके चली जाए, सबके फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। हमारी काम वाली आंटी अपना फ़ोन भूल गई है, सबके पता नहीं किस किस के घर से फ़ोन आ रहे हैं, कब आओगी पता नहीं कहाँ चली गई है,
उस लोगों को लग रहा है हमने उनका फ़ोन चुरा लिया। एक बोली आपके उनका फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है। ये हैं जप्पी भैया, जप्पी भैया उधव भैया, नायशा के उधव भैया, और ये आए हैं नायशा और अपनी बुआ को लेने के लिए, और साक्षी मैडम एक हफ्ते के लिए जा रही हैं अपने मायके। यस नायशा आप कहाँ जा रहे हो? नानू हाउस जा रहे हो? मुझे नहीं लेके जा रहे, क्यों? सब लोग जा रहे हैं, गाड़ी में जगह नहीं है। ये है हमारे दीपू भैया, नए अवतार में लग रहे हैं आपको, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के हीरो लग रहे हैं। और ये वही रेड टेप वाली जैकेट है जो इन्होंने हमारे साथ खरीदी थी व्लॉग नंबर 96 में। ओ वाव, नायशा का स्पाइडरमैन वाला वॉच आ गया। ये क्या है? स्पाइडरमैन वॉच। ओ वाव, कौन लेके आया? नमन भैया। चलो चलो जल्दी आओ, बस बस बस। चलो नायशा कहाँ बैठ गई? वो पहले अंदर जाके बैठ गई। नायशा पापा को बाय तो कर ले, उधर से करेगी बाय। नायशा जाओ जाओ, देर हो रही है, अब पहुंच के फोन कर देना। Later that night. फ्रेंड्स, पापा को तो गरम गरम रोटियां बना के खिला दी थी, लेकिन अपने लिए मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा हूँ। साक्षी मैडम ने दोपहर में मेरे लिए पराठे बनाए थे जो मैंने खाए ही नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ उनको भी फेंकना नहीं है, उनको बर्बाद नहीं करना है। तीन पराठे हैं, इन्हीं को अगर मैं कच्चे निकाल के गई थी साक्षी, अगर इनको अच्छे से सेक देता हूँ तो यही मेरा काम चल जाएगा, और पराठे भी वेस्ट नहीं होंगे, अपने को भी बनाना नहीं पड़ेगा। घर बहुत खाली खाली लग रहा है, अकेला अकेला लग रहा है। पापा तो सो चुके हैं और फील हो रहा है मतलब कि घर में कोई नहीं है। फ्रेंड्स, पराठे खा लिए, पेट पूजा हो गई, अब बस सोने ही जा रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करना, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना। मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।